ये काफी खूबसूरत भी लग रही है और देख सकते हैं कंपनी का नाम यहाँ पे स्टील बर्ड का जो है प्रीमियम हेलमेट आपको इसमें मिलने वाला है। एक स्मार्ट वॉच मिलने वाला है, शायद इसका प्राइस यहाँ पे एड लाइट सेटअप आपको एलईडी की मिलने वाली है जिसमें काफी कुछ जो है चेंज कर दिया गया है। तो ये जो प्राइस है मैं पटना बिहार की प्राइस बता रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस इसकी आने वाली है। वेलकम बैक टू अदर वीडियो, देख सकते हैं फाइनली आपके सामने प्रेजेंट है KTM की ड्यूक 250 जो न्यू आ चुकी है। अभी काफी कुछ जो है इस बाइक में चेंज कर दिया गया है और काफी सारे गिफ्ट्स इस बाइक से मिलने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच है, हेलमेट है और भी काफी सारे आपको जो है इसमें गिफ्ट मिलने वाले हैं, जैसे सर्विस, इंजन वारंटी, सब कुछ आपको क्या क्या मिलने वाले है वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी ये जो बाइक है वो न्यू आई है, तो पहले जानते हैं कि इसकी फीचर्स क्या मिलने वाली है और उसके बाद जानते हैं कि ऑफर्स क्या क्या अभी चल रहे हैं। दिवाली धनतेरस का जो है बेस्ट ऑफर अभी मिलने वाला है इस शोरूम से, तो चलिए जानते हैं कि इसकी फीचर्स क्या दी गई है। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह से अपडेट देखने के लिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे फीचर्स बताने से पहले मैं ये जो गिफ्ट है अभी साइड रख देता हूँ, क्योंकि अगर जो है बाइक अगर हिलेगी तो गिर जाएगी। तो आप यहाँ आ सकते हैं, मीटर कंसोल में आपको दिखा दूं कुछ इस तरीके की आपको फुल TFT डिस्प्ले के साथ में ये मीटर कंसोल आ चुकी है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं कि 5 इंच की TFT डिस्प्ले के साथ में ये बाइक आ गई है। और यहाँ पे एक चीज आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगी गाइस, मैं दिखा दूं आपको कि यहाँ पे जब लाइट मैं ये करूंगा तो ब्राइटनेस जो है ऑटो अप डाउन होने वाली है। यहाँ पे लाइट से आप लोग देख सकते हैं टल हो गई। तो यहाँ पे जान लेते हैं क्या क्या दी गई है। तो गियर शिफ्टिंग यूनिट का पोजीशन आपको यहाँ मिलने वाला है, यहाँ पे इंजन ऑयल अगर कम हो जाए वो बताने वाली है, इंजन मालफंक्शन का लाइट, ABS का लाइट, यहाँ पे RPM आपको बताने वाली है, फ्यूल आपको यहाँ बताने वाली है। देख सकते हैं कि रिजर्व अभी यहाँ पे लिख करके आ रहा है, बाकी यहाँ पे फ्यूल रिजर्व जो है ये भी लिख है। स्पीड वगैरह आपको यहाँ पे शो करने वाली है। एंड मीटर में देखते हैं कि बटन से क्या क्या आपको फीचर्स दी गई है। तो यहाँ पे लैंप टाइम, लैप टाइमिंग दे रहे हैं, मोटरसाइकिल राइडिंग मोड्स, तो मोड्स कितने तरीके मिल रही है, तो ट्रैक एंड स्ट्रीट मोड मिलने वाली है इसमें। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक एंड स्ट्रीट मोड आपको दो तरह की मोड देखने के लिए मिल जाएगी। ABS आपको डुअल चैनल आ रही है इसमें। और नीचे करते हैं देखते हैं तो ट्रिप वगैरह का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रिप इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे काफ़ी सारी फीचर्स दी गई है, क्विक शिफ्टर वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देख सकते हैं क्विक शिफ्टर, शिफ्टिंग लाइट वगैरह आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी बटन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके की बटन्स आपको दी गई है मैनुअल कंट्रोल करने के लिए। जो है आपको 1000 फ्लोसर का स्विच मिल जाता है, हाई लो आपको इसी में मिल जा रही है पासिंग, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क करने वाली है हाई लो। इंडिकेटर कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, इधर मिलने वाला है। इस साइड से देखते हैं तो यहाँ पे इंजन के स्विच मिल जाएगी और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट। यहाँ पे बाइक को स्टार्ट कर दिया है तो मैंने आपको जो इसकी एग्जॉस्ट की साउंड सुना दूँ, कुछ इस तरीके की साउंड यहाँ पे मिलने वाली है। काफी पावरफुल साउंड के साथ में आ रही है, अंडर वाली एग्जॉस्ट आपको मिल जा रही है, यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जा रही है जो 7 स्टेपर एडजस्टर के साथ में आ रही है। फिलहाल इसे यहाँ पे बंद करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे इंजन के स्विच, सेल्फ स्टार्ट का आपको बटन मिल जाता है कि आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है कि काफ़ी अच्छी प्यारी मिल रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 फ्लोसर ऑन है, अगर आप लोग जो है की निकाल भी लेते हैं तो ये फीचर्स दी गई है और ये बंद भी नहीं होगी जब तक आप की को नहीं लगाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये बंद भी नहीं होगी, बटन को प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये बंद नहीं हो रही जब तक मैं की को ऑन नहीं करूँगा। इसकी जो है डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, उसके बाद जो है इसे आप लोग बंद कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तब जा कर के ये बंद हो जाएगी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल टैंक यहाँ पे ब्लैक में ये चीज़ आ रही है, मैट में ये फाइबर में देखने के लिए मिल रही है, ये भी फाइबर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे ये चीज़ T20 के साथ में आपको, इथनॉल 20% के साथ में आपको ये आ रही है। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो है ब्लू एंड ऑरेंज कलर की कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलने वाली है। ग्राफिक्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे ड्यूक 250 लिख करके आ रही है, ब्लैक में जो है 250 देखने के लिए मिल रही है। थोड़ी सी है लाइट अगर कम पड़ जाए तो दिक्कत होगी देखने में, लेकिन आपको अच्छी तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। इधर आते हैं तो यहाँ पे KTM देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे सीट आपको स्प्लिट में मिलने वाली है, कॉस्टिंग काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे इसमें मिलने वाली है। ग्रैब एंड वगैरह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कट में आ रही है, यहाँ पे जो है फ्लैप आपको जो है गियर का जो है कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। ये नया ऐड कर दिया गया है जो अभी ये लग करके आ रही है, पहले इस तरीके से आती थी, ये जो है कीचड़ वगैरह ऊपर आने के लिए नहीं होगी तो इसके लिए दे दी गई है। एंड यहाँ पर लाइटिंग वगैरह मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ इस तरीके की
फुल हेडलाइट सेटअप आपको एलईडी की मिलने वाली है, जिसमें काफ़ी कुछ जो है चेंज कर दिया गया है। 350 जिस तरह से आती थी पहले, उसी तरीके के अभी 250 भी आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे एक बार स्टार्ट करता हूँ और दिखा दूँ कि आपको कुछ इस तरीके की लाइट मिलने वाली है। साइड बस जो है ये थी, आपको डीआरएस मिल जा रही है। और यहाँ पे हाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन को ओपन करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे हाई जल जाएगी और यहाँ पे ये लो जल जाएगी और यहाँ से पासिंग वर्क करने वाली है। तो कुछ इस तरीके की लाइट मिल जा रही है। यहाँ पे इंडिकेटर मैं आपको दिखा दूँ कि एलईडी का इंडिकेटर आने वाला है। और यहाँ पे टेल लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की टेल लाइट सेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। नंबर प्लेट का भी लाइट आपको एलईडी में मिलने वाला है। टायर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो टायर सेक्शन यहाँ पे आपको मिलने वाली है रियर में। 150/60 ZR17 के आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगी। 240 mm का आपको डिस्क मिल जाता है और यहाँ पे डुअल चैनल एबीएस के साथ में ये बाइक आ रही है। फ्रंट टायर की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो टायर साइज दी गई है, मैं आपको दिखा दूँ अच्छी तरीके से कि 110/70 ZR17 की आपको टायर देखने के लिए मिल जा रही है। 300 mm का आपको जो है 320 mm का आपको डिस्क प्लेट मिल जा रहा है डुअल चैनल एबीएस के साथ में। और यहाँ पे कैलिपर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की कैलिपर आपको यहाँ पे आने वाली है, जो काफ़ी अलग लुक में कर दी गई है। कैलिपर अब अलग देखने के लिए आपको मिल रही है। यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर इस बाइक के इंजन के बारे में, तो इसमें जो इंजन दी गई है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वाल्व लिक्विड कूल DOSC Fi इंजन के साथ में ये बाइक आ जा रही है। और इसकी जो मैक्स पावर दी गई है 31 PS की पावर मिल जा रही है, जो 9,250 Nm पावर को जनरेट करती है। और 25 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है, जो 7,250 Nm पावर को जनरेट करती है। और यहाँ पे इसकी जो सीट हाइट है गाइस, 822 mm का आपको सीट हाइट मिलने वाला है। और यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस 176 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ये बाइक आ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी इसकी जो माइलेज, काफी लोग जो है यही कमेंट करते हैं कि माइलेज क्या मिलने वाली है भाई। तो जैसा कि देख सकते हैं 250 cc की बाइक है, तो माइलेज आपको 35 से 38 तक आराम से मिल जाएगी, 30 से 38 तक मिल जाएगी आराम से, अगर इसे अच्छे से मेंटेन करते हैं, सर्विस वगैरह कराते हैं, स्मूथ ड्राइविंग करते हैं। तो स्मूथ ड्राइविंग तो खैर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब टॉप स्पीड में बता दूं कि आपको क्या मिलने वाली है, 150 से 160 की टॉप स्पीड इस बाइक में आराम से चली जाएगी। अगर आप लोग ये बाइक यूज़ करते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी बाइक जो है कितनी की माइलेज दे रही है और कहाँ तक आप उसे टॉप स्पीड ले करके गए हैं, तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्राइसिंग की अगर मैं बात कर लूँ कि अभी इसकी प्राइस क्या आने वाली है, तो ये जो प्राइस है मैं पटना बिहार की प्राइस बता रहा हूँ। ऑन रोड प्राइस इसकी आने वाली है 286,321 rupees का आपका इसका ऑन रोड प्राइस आने वाला है। अब मैं आपको बता दूंगा इसकी गाड़ी के साथ आपको क्या क्या मिलने वाली है। दिवाली धनतेरस का ऑफर चल रहा है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, गाड़ी के साथ बहुत कुछ मिलने वाली है। तो वो क्या मिलने वाली है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हेलमेट है यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जो देख सकते हैं काफी अच्छी विंग्स के साथ में ये आ रही है, कुछ इस तरीके से लग करके आ रही है ये विंग्स। और यहाँ पे ये जो ग्लास है आपको व्हाइट में ट्रांसपेरेंट में देखने के लिए मिली है। और एक और ग्लास आती है जिसमें साथ में ही अभी अंदर रखी हुई है, वो ब्लैक में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप अपने घर से ही आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, निकाल करके आप चाहे तो ब्लैक यूज कर सकते हैं या व्हाइट में यूज कर सकते हैं, दो तरह की ग्लास मिल रही है। बाकी ये काफी खूबसूरत भी लग रही है और देख सकते हैं कंपनी का नाम यहाँ पे स्टील बर्ड का जो है प्रीमियम हेलमेट आपको इसमें मिलने वाला है। और ये एक गिफ्ट होगा, एक यहाँ पे आपको जो है एक स्मार्ट वॉच मिलने वाला है। शायद इसका प्राइस यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है गाइस, आप लोग मुझे प्राइस बता देना। देख सकते हो कुछ इस तरीके की स्मार्ट वॉच है, मेरे हिसाब से 1500-2000 की आपको आसपास होगी। तो आप लोग अगर यूज कर रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं आपको बता दूं कि इस बाइक की जो इंजन वारंटी है आपको 5 साल के लिए मिलने वाली है, जो कंपनी दे रही है 5 साल के लिए। और 3 सर्विस के साथ में अभी ये बाइक आ रही है, 3 सर्विस आप इसे फ्री में करा सकते हैं, 1 साल तक आप जो है फ्री सर्विस करा सकते हैं। चीज मैं आपको बता दूंगा इस कि इसमें आपको RSA सर्विस जो होता है, रोड साइड असिस्टेंट, वो भी आपको मिलने वाली है 1 साल के अंदर में। अगर आप लोग जो है गाड़ी अगर कहीं ब्रेकडाउन हो जाए, खराब हो जाए, तो आप लोग कंपनी को फोन करके अपनी गाड़ी को जो है कंपनी भेज सकते हैं, वो कंपनी वाले आकर के आपकी गाड़ी को लेकर के चले जाते हैं। तो वो एक सर्विस आपको मिल जाती है, जो 1 साल तक अंदर में आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर बाद में आप चाहे तो उसे अपग्रेड कर भी सकते हैं, 1000 के आसपास लगभग उसकी प्राइस पड़ती है। तो आप चाहे तो अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं।
तो इतना जो है ऑफर मैंने अभी बता दिया आपको, बाइक के साथ में अभी मिलने वाली है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ का जो एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रही होगी, तो जल्दी से यहाँ पे चेकआउट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, किसी तरह की अगर जानकारी रह गई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम आपको साइड में देखने के लिए मिल रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पे आ जाना है और वहाँ पे जैसे पहले डीएम करते थे उसी तरह से डीएम करना है, क्योंकि मैं काफी सारे वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरा जो पहले वाला आईडी था इंस्टाग्राम आईडी वो हैक हो चुका है, किसी कारणवश से वो आईडी हैक हो चुका है, शायद डीएक्टिवेट भी हो गया है, वो आईडी शायद मुझे नहीं लगता है कि आने वाली है। तो आप लोग नए जो है इंस्टाग्राम मैंने बना लिया है, वहाँ पे आप लोग डीएम करना, जैसे पहले हम लोग बात कर लेते थे उसी तरह से बात करके वहाँ पे जो है आपकी प्रॉब्लम की सॉर्ट आउट मैं कर दूंगा, तो जाकर के फॉलो जरूर कर लेना। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह से अपडेट देखने के लिए, क्योंकि न्यू जो बाइक आती है उसकी रिव्यू और फाइनल डिटेल आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।